लोग बोलते बाबा जी तुम नौजवानों को भड़काते हो, तो क्यों नहीं भड़काऊं नौजवानों को? एक बार बताओ, पूरे देश के इतिहास में आज तक एक भी 50 साल के बुजुर्ग का नाम बताओ जिसको फांसी हुई हो, हुई क्या? एक का नाम बताओ? ये दिल्ली में बैठकर चिल्ला रहे हैं, बाला साहब पे भी चिल्लाएंगे, नरेंद्र मोदी भी चिल्लाएंगे, इन पे चिल्लाएंगे, संघ भी चिल्लाएंगे, ये सांप्रदायिक हैं, हमने देश को आजादी दिलाई। पर मैं चैलेंज करता हूँ पूरे देश के और पूरे प्रदेश के, शिंदे साहब से सोनिया गांधी से लेकर यहाँ के मुख्यमंत्री तक, एक कांग्रेसी का नाम बताओ जिसको फांसी हुई हो। मैं चैलेंज कर रहा हूँ भाई साहब, मैंने तो आरटीआई पूछा, पूरे देश में तुमने देश को आजादी दिलाई, लेकिन एक कांग्रेसी का नाम बताओ जिसको अंग्रेजों ने फांसी दी हो। अंग्रेजों ने केवल लाठी नहीं खाई, डंडे नहीं खाए, केवल मक्खन और अंडे खाए हैं। लेकिन समस्या है, इस देश का नौजवान भगत सिंह क्यों नहीं बनना चाहता? इस देश का नौजवान शिवाजी क्यों नहीं बनना चाहता? इस देश का नौजवान फांसी क्यों नहीं खाना चाहता? नौजवान को गाली देना आसान है, लेकिन कहूंगा दोस्तों, पूरे जीवन में महात्मा गांधी ने कभी एक डंडा खाया? बोलो हाँ या ना। नहीं खाया। जिन्होंने पूरे जीवन में डंडा नहीं खाया, उनके नाम से हमने 1 से लेकर 1000 तक के नोट चलाए, लेकिन जिस भगत सिंह ने फांसी खाई उसके नाम से हमने 100 का नोट का चित्र नहीं छापा। हमने शिवाजी के नाम से 50 का चित्र नहीं छापा। और सांप्रदायिकता की बात नहीं है, ये शिवसेना के मंच से खड़े होकर कहना चाहता हूं इस बात को, अशफाक उल्ला की कुर्बानी भूलना हम पाएंगे, क्योंकि लोग सीधा आरोप लगाते हैं तुम तो मुसलमान के खिलाफ हो, तुम सांप्रदायिक हो। तो एक बात कहना चाहता हूं आज इस पुण्य तिथि के अवसर पर कि अशफाक उल्ला की कुर्बानी भूलना हम पाएंगे। जब अशफाक उल्ला खान लड़ रहा था आजादी के मैदान में, तो मुल्लों ने समझाया था, कठ मुल्लों ने, अरे अशफाक क्यों इसके लिए जान देते हो, तुम तो मुसलमान हो। तो अशफाक उल्ला खान ने कहा था, कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू यही है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। मर गया अशफाक उल्ला खां, लेकिन ये मुसलमान के नाम से वोट लेने वालों ने आज तक अशफाक उल्ला खां के नाम से 10 रुपए का नोट नहीं चलाया। इस देश की लड़कियां, झूठ मत बोलना, पूछना अपनी बच्चियों से, क्यों लव जिहाद के चक्कर में फंस जाती हैं? लक्ष्मीबाई नहीं बनना चाहती, जीजाबाई नहीं बनना चाहती, केट ना केप बनना चाहती, दीपिका पादुकोण बनना चाहती, क्यों? क्योंकि जिसने देश के लिए प्राण दिए, जो मैदान में लड़ते लड़ते मरी, उस लक्ष्मीबाई के नाम से हमने 1 रुपए का नोट नहीं चलाया। तो दोस्तों, मैं तो एक बात कहता हूँ, सरकार नोट भगत सिंह के नाम से चलाए या ना चलाए, हमारे दिलों में छपना चाहिए या नहीं? कितने लोग तैयार हैं? तैयार हो? एक बात, क्यों आप लोग जा नहीं रहे वापस यार? मैं चक्कर हूं 25% निकल जाऊं, निकलोगे क्या? अच्छा सुनो, देखो एक बात बताऊं, जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी, मैं शब्द बोल रहा हूं, मैं जब बोलता हूं मंच से, कारण समझ लेना, मेरी जितनी प्रदर्शनी आज सब विदेशों में लगती है। राजू निवल जी से बात चल रही थी, बाबा जी आपकी प्रदर्शन लगाएं, तो मैंने कहा मेरी प्रदर्शनी भारत में नहीं लगती। बोले क्यों नहीं लगती है? मैंने कहा जब भारत में कोई बात बोलता हूं तो लोग बोलते तुम सांप्रदायिक हो, और जब अमेरिका में खड़े होकर बोलता हूं तो लोग